एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने हेयर में ऑयलिंग करेंगे, जिससे आपको पूरे हेयर में अपने ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारी बॉडी में एको प्रेशर के पॉइंट होते हैं, जिसको हम दबाने से हमारे पूरी बॉडी में रिलीफ मिलता है, वैसे हमारे हेड में भी 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑयल लगाने से आपको पूरे हेयर में ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से 3 पॉइंट है जिससे आप को अगर आप हेयर में ऑयल लगाएंगे तो आपको पूरे हेयर में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, मैं आपको बता दूं कि मेरी ये वीडियो होएगी आपकी बेस्ट ऑयल। आज मैं बताने वाली हूँ बेस्ट ऑयल के बारे में, जो ऑयल आप यूज़ करेंगे अपने हेयर के लिए। तो आप बहुत सारे ऑयल आपने देखे मार्केट में अवेलेबल होते ही हैं, तो मेरे को जो बेस्ट लगा मैं आपको उस ऑयल के बारे में बता रही हूँ। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ये कोकोसोल ऑयल की, जो आपका होगा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट वर्जन ऑयल है, तो आप इसको खा भी सकते हैं। आपको आप देख सकते हैं कि मेरे बाल विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाते हैं, लेकिन अब आप इस हेयर से ऑयलिंग करेंगे, आप अगर पूरे वीक में ऑयल नहीं लगाना चाहते तो इस ओके मत लगाइए। आप सिर्फ जब आपको एक दिन पहले अगर आपको वॉश करना है तो नाइट में आप ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उस हिसाब से अपने हेयर में ऑयलिंग कीजिए, तो आपको पूरे वीक में ऑयल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बेस्ट ऑयल तो बता दिया, ये बेस्ट ऑयल है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ये कोल्ड प्रेजेंट वर्जन कोकोनट ऑयल है, ये आपको नॉर्मली अमेजोन पर मिल जाएगा। इसकी डिटेलिंग मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो आप ये आपको 500 के अराउंड में, इसमें 2 साइज़ अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो आप एक इसके बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हैं। आपके विंटर्स में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, लिप्स चैप हो जाते हैं, रूसी बहुत ज़्यादा डंडरफ आपके हेयर में स्कैल्प में बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो ये ऑयल लगाने से आपके हेयर में बिल्कुल भी स्कैल्प में बिल्कुल भी रफनेस या रूसी नहीं होगी, आपकी हेयर के हेयर फॉल भी बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे हेयर में कितनी शाइन है। मैंने ये ऑयल लगा के मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इससे आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो अगर आपको ये कोकोनट ऑयल लेना है तो आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरे को ये ऑयल बेस्ट लगता है तो मैंने इसकी वीडियो बना दी। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आप इसको मेकअप रिमूव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू नॉट हैव एनी मेकअप रिमूवर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप रिमूव के लिए। आप इसको खा भी सकते हैं, क्योंकि वर्जन ऑयल है, आप इसको खा भी सकते हैं, खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में खा सकते हैं, जैसे मर्जी खा लो, खाने में डाल के खा लो, जैसा खाना वैसे खा लो। तो मैंने आपको बता दिया ये ऑयल के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो कि मैं किस तरीके से अपने हेयर में ऑयलिंग करती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। अच्छी लगी हो, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये ऑयल ज़रूर बाय कीजिएगा। अगर आपको अच्छा ऑयल लेना है अपने स्किन के लिए, आपकी जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम होती है,
ये ऑयल दूर कर देगा। तो जाइए बाय कीजिए, बाय बाय।